everyone, welcome back to Marian Overseas YouTube channel. This is Avnika and we hope you are doing great. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा और आपने काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा कि बहुत सारा माइग्रेशन हो चुका है यूके यूनिवर्सिटीज़ में. काफ़ी लोग लीगली और इलीगली यूके यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं. प्लस जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी एंटर कर रहे हैं यूके. स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे भी एंटर कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल बोर्ड्स में भी एंटर कर रहे हैं यूके यूनिवर्सिटी में, प्लस इंग्लिश चैनल क्रॉस करके भी आ रहे हैं. इसी चीज को देखते हुए यूके गवर्नमेंट ने ये फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि वो डिपेंडेंट वीजा को लिमिट कर देंगे. स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स परस्यू करने के लिए यूके यूनिवर्सिटीज में जाएंगे उनका डिपेंडेंट वीजा जो है वो बैन हो जाएगा. जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चीज तो फाइनलाइज हो ही गई है. लेकिन दोस्तों, एक और कंसर्न वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं, वो अभी न्यू रूल्स और पॉलिसीज के बाहर है. इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है, दैट इज नेट माइग्रेशन जो है वो अभी तक 5 लाख पहुंच चुका है दोस्तों, विच इज अ कंसर्न फिगर. इसी को देखते हुए भी ये न्यू रूल्स और चैलेंजेस यूके गवर्नमेंट लेके आई है. इसी के अलावा जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टडी वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा रहे हैं दोस्तों, ये भी हम आपको बता दें. इसी को देखते हुए भी यूके गवर्नमेंट ने ये न्यू रूल निकाला है कि वो अब बिना स्टडीज को कंप्लीट करे अपना स्टडी वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे. बिकॉज वो लोग स्टूडेंट्स जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, हम आपको ये भी बता दें कि वो यूके यूनिवर्सिटीज ने फीस नहीं दे रहे हैं, रिफ्यूज कर दिया फीस पे करने के लिए, वो सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं. इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने ये भी फाइनलाइज कर दिया है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं प्लस काम कर रहे हैं, वो अपना वर्क वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए. इसी के अलावा हम आपको ये भी बता दें कि यूके गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जितना भी ग्रेजुएशन रूट है जो अलाउ करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टू स्टे एंड वर्क इन द यूके, वो अनचेंज रहा है. लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. यूके यूनिवर्सिटीज़ अभी भी न्यू एप्लीकेशंस को वेलकम करने के लिए रेडी हैं. जल्दी से अपनी एप्लीकेशंस प्रोसेस करिए, अपना फ़ोन उठाइए. हमारी असिस्टेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव फेस टू फेस काउंसलिंग देन डू विजिट अवर नियरेस्ट ब्रांचेस. दोस्तों, अपने क्वेरीज को कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.